डियर स्टूडेंट आरसे एजू हब्बानसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप उनका जो टॉपिक चल रहा था उसमें बात कर रहे थे एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, जिसमें आपने पढ़ लिया था 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। उसी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे 3 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। देखिएगा यहां से कैसे किस प्रकार होता है। टॉपिक रहेगा आज का अपना 3 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। तृतीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण थ्री डिग्री एल्कोहल जो है उसका ऑक्सीकरण करेंगे, यानी कि तृतीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। तो डियर स्टूडेंट यहां पे बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में क्या बताया कि जो 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में, यदि आपका मीडियम कैसा है उदासीन है या फिर कैसा है क्षारीय, उदासीन एवं क्षारीय जो मीडियम है उसके अंदर 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो सामान्यतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। क्लियर है, यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि उदासीन एवं क्षारीय माध्यम के अंदर 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं और प्रबल परिस्थितियों के अंदर ही पहले ऑक्सीकरण दर्शाने के लिए क्या करेगा, रेयर कंडीशन के अंदर प्रबल परिस्थितियों के अंदर 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो निर्जलीकरण के द्वारा पहले क्या बनाते हैं, एल्कीन का निर्माण करते हैं। यदि आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, मीडियम है आपके पास उदासीन क्षारीय है तो ऑक्सीडेशन शो ही नहीं करेगा, लेकिन आपकी प्रबल परिस्थितियां हैं तो उस प्रबल परिस्थितियों के अंदर 3 डिग्री एल्कोहल को आपको ऑक्सीडाइज करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा उसका डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के थ्रू आपको क्या बनाना पड़ेगा वहां से एल्कीन। यानी 3 डिग्री एल्कोहल उदासीन एवं क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, लेकिन प्रबल परिस्थितियों में निर्जलीकरण के द्वारा, भाई प्रबल परिस्थितियों में निर्जलीकरण के दौरान क्या बनाते हैं वहां से एल्कीन, और इस एल्कीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो वहां से क्या बनते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन, और इन एल्डिहाइड एवं कीटोनों का आगे ऑक्सीकरण करवाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो मिक्सचर है मिश्रण बनने लग जाता है। लेकिन इन बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो इस टारगेट मॉलिक्यूल के रूप में आपने जो 3 डिग्री एल्कोहल मूल एल्कोहल के रूप में जो आपने 3 डिग्री एल्कोहल लिया था उसकी तुलना में क्या होती है कम। तो यानी ये थ्योरेटिकल पार्ट को यहां पे क्या बताया, तृतीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। एक बार वापस समझ लीजिएगा कि 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो सामान्यतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाएगा नहीं, चाहे मीडियम आपका उदासीन हो चाहे क्षारीय, लेकिन प्रबल परिस्थितियों के अंदर 3 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होने लग जाता है तो पहले निर्जलीकरण के थ्रू क्या बनेगी एल्कीन, फिर बाद में क्या बनता है वहां से एल्डिहाइड और कीटोन, फिर आगे ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनने लग जाता है। लेकिन इस बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण में कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो इस मूल एल्कोहल यानी 3 डिग्री एल्कोहल की तुलना में क्या होती है कम। तो देखिए किस प्रकार रिएक्शन को शो करते हैं, आपके पास मैंने एग्जांपल लिया 3 डिग्री एल्कोहल CH3 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 OH, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। मैंने बताया कि 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो सामान्य ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाते नहीं, तो प्रबल परिस्थितियों में पहले क्या करेगा ये निर्जलीकरण करेगा डिहाइड्रेशन, इसका क्या होगा निर्जलीकरण। भाई देखो OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन कितने कार्बन से टच कर रहा है, 3 से, इसका मतलब कैसा एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल। अब इस 3 डिग्री एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडाइजेशन करवाना चाहिए नहीं होगा, तो पहले 3 डिग्री एल्कोहल क्या करना है प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीडाइज होगा तो पहले निर्जलीकरण के दौरान यहां से क्या करेगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या CH2 खोल गया है तो यहां से निर्जलीकरण होगा, यहां से अब निर्जलीकरण के रूप में आप यहां पर टेम्परेचर के थ्रू निकालेंगे, यहां पर 443 केल्विन ताप लेंगे तो यहां से क्या होगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, H+OH-, तो निर्जलीकरण का मतलब ही क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा यहां से रिमूव हो जाएगा, तो जल के अणु का बाहर निकलना यहां पे क्या हो गया निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण के दौरान माइनस प्लस के बीच में यहां पे क्या बन जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिएगा CH3 यहां पे C
डबल बॉन्ड सी एच टू और इस कार्बन पे सी एस थ्री एस देखो सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी इस सी पर कौन जुड़ा हुआ है सी एस थ्री अब इस कार्बन पे प्लस और माइनस दोनों के बीच में क्या जाएगा डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा एल्कीन एल्कीन बन गई अब इस एल्कीन का आगे यदि आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखो यहां से एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों साइड में क्या जोड़ना है ऑक्सीजन भाई एल्कीन है एल्कीन का डबल बॉन्ड आपको क्या करना है ऑक्सीडाइजेशन के थ्रू डिस्कनेक्ट करना है इधर भी ऑक्सीजन जोड़ना है और उधर भी मैंने माना कि इधर ऑक्सीजन जोड़ा तो देखो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 ये C ऐसे कैसे और ये C भी ऐसे कैसे तो यानी डबल बॉन्ड टूटा है तो यानी कि ऑक्सीजन इस कार्बन में जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा डबल बॉन्डेड होके जुड़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कीटो बन चुका यहां पे कीटो अब यहां से डबल बॉन्ड भाई इस पे भी तो मैं डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जोड़ूंगा क्योंकि कार्बन में दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है यहां से चार बनाता है तो दो वैलेंस फ्री है उन दोनों फ्री वैलेंस पर कौन जुड़ जाएगा यहां पे ऑक्सीजन तो देखिएगा यहां से ये C ऐसे कैसे यहां पे क्या जुड़ा हुआ है H ये क्या जुड़ा हुआ है H S इन दोनों फ्री वैलेंस पर यहां पे कौन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन तो यानी कीटोन और ये क्या बन जाता है यहां पे एल्डिहाइड एल्डिहाइड एवं कीटोन बनते हैं अब ये एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आगे ऑक्सीडाइज होते हैं भाई इनका आगे आप क्या करवाओगे ऑक्सीडाइज करवाओगे इनको तो क्या बनाएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनाते हैं तो देखो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो मैंने बताया था यहां पे ये जो CH3 है वो कैसे देखो यहां H छोड़ के जाएगा पिछले स्टेप में पढ़ा था आपने यहां पे CH2 बाहर निकल जाएगा वो H और एक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कुल मिला के इस पोर्शन को किसमें कन्वर्ट कर देगा CH3 C डबल बॉन्ड को ऐसे कैसे यहां पे क्या बन जाएगा OH क्योंकि H यहां पे बन जाएगी और वो यहां पे लेगी अब यहां पे CH2 और ये क्या बन जाएगा यहां पे फिर क्या बन जाएगा ये वाला एक कंपाउंड बनेगा और इस वाले कंपाउंड का फिर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये भाई आपको किसमें कन्वर्ट करना है इसको एल्डिहाइड को एसिड बनाएगा ये बन जाएगा आपका H C डबल बॉन्ड O O H क्या बन जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल ये क्या बन जाएगा आपका एसिडिक अम्ल यानी इसका भी आप आ, आ, ये भी कुल मिला के आगे इसी स्टेप को भी आगे कन्वर्ट करना चाहिए तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाए एल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो बात समझ में आ गई होगी कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है आपका वो 3 डिग्री एल्कोहल सामान्यतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं उदासीन एवं क्षारीय माध्यम लेकिन प्रबल परिस्थितियों में पहले निर्जलीकरण के दौरान क्या बनती है यहां पे एल्कीन और उस एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन ये एल्डिहाइड एवं कीटोन आगे ऑक्सीकरण होकर किसका निर्माण कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कर लेते हैं अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो बनेंगे उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु की जो संख्या है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु संख्या कितनी है दो और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु संख्या कितनी है एक बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो मूल एल्कोहल की तुलना में क्या होती है कम क्योंकि मूल एल्कोहल में कार्बन परमाणु कितने हैं 1 2 3 4 भाई यहां पे चार है वहां पे एसिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है दो फॉर्मिक अम्ल के अंदर कितने कार्बन है एक तो बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन परमाणु की जो संख्या है इस मूल एल्कोहल की तुलना में क्या होती है कम तो ये है आपका 3 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीकरण तो बात समझ में आ गई होगी कि 3 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीकरण उदासीन क्षारीय माध्यम में नहीं हो पाता है तो प्रबल परिस्थितियों में निर्जलीकरण के दौरान क्या बनाते हैं एल्कीन इनके ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं कीटोन और एल्डिहाइड इनका ऑक्सीकरण आगे कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या इस मूल एल्कोहल की तुलना में क्या होती है कम तो क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा था अपने तीन प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बात की थी एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म मैंने बताया था कि जो एल्कोहल है वो चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं जिसमें आपने तीन प्रकार की रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं कौन कौन सी कंप्लीट कर चुके हैं अभी भाई OH बॉन्ड की अभिक्रिया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की अभिक्रिया एल्किल एवं हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया ये वाला जो पोर्शन चल रहा है वो कंप्लीट हो गए अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में आगे बढ़ाइए चौथे टाइप की जो केमिकल प्रॉपर्टी बच रही थी ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया तो मैं बात कर रहा हूं चौथे टाइप में ऑक्सीजन परमाणु के ऑक्सीजन जो परमाणु है उस पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया तो देखिए इसमें चौथे टाइप की प्रॉपर्टी चल रही है यहां पे ऑक्सीजन परमाणु पर
ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर, यानी इसको मैंने लिखा था एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया। ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया, इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट, एल्कोहल जो है उस एल्कोहलों में उपस्थित जो आपका OH समूह है, यानी OH समूह, OH समूह जो ऑक्सीजन परमाणु है, उस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर कितने लोन पेयर उपस्थित होते हैं, दो। एल्कोहलों में उपस्थित OH समूह पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ये दोनों जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, और तनु अम्लों की उपस्थिति में, क्योंकि जो लोन पेयर डोनेट करेगा तो लुईस के अकॉर्डिंग कैसा बिहेव करेगा, ये बेस। दोनों लोन पेयर लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अब लुईस क्षार एसिड और क्षार के मध्य रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जैसे ही इसको एसिड तनु खनिज अम्ल मिलेगा तो ये तुरंत किसका निर्माण कर लेते हैं, ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण कर लेते हैं। तो यहां से क्लियर है थ्योरेटिकल पोर्शन, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। इसमें क्या बताया कि ये आपका एल्कोहल है, यहाँ पे OH, इस एल्कोहलों में उपस्थित ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु पर कितने लोन पेयर उपस्थित होते हैं, दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं। अब ये लोन पेयर किसी को डोनेट करेगा तो ये व्यवहार कैसा करेगा, अपना लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। एल्कोहलों में ये जो OH समूह है इस पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एलपी लोन पेयर उपस्थित होते हैं, जिन्हें दान करके ये किसकी तरह व्यवहार करता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। अभी तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में यहां से क्या मिले, तनु खनिज जो अम्ल है एसिड की प्रेजेंस में ये किसका निर्माण कर लेता है, ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करेगा, ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण कर लेता है। तो क्लियर है, एल्कोहलों में उपस्थित OH समूह यानी ऑक्सीजन परमाणु पर दो लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षार की तरह भांति व्यवहार करता है, तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण कर लेता है। किस प्रकार करता है, एग्जांपल के थ्रू देखिएगा, ये आपका एल्कोहल है CH3OH, ये आपका एल्कोहल, ऑक्सीजन परमाणु पर दो लोन पेयर है। अब तनु खनिज अम्लों के रूप में यहाँ पे भाई HCl खनिज अम्लों के रूप में अम्ल एसिड कौन सा है, यहाँ पे HCl। जैसे ही HCl के साथ अभिक्रिया होगा तो HCl एसिड है तो कैसे टूट जाएगा, Ag plus Cl minus, अभी H plus आयन को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कैसे करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, यहां से डोनेट करेगा। तो यहां पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो लुईस के अनुसार ये किसकी तरह व्यवहार करता है, लुईस के अनुसार क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो लुईस ने क्या बताया, वे जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये है लुईस कॉन्सेप्ट, तो लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे लुईस क्षार। तो यहां से ये इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 ऐसे कैसे OH। अब इसने लोन पेयर डोनेट किया है, यहां से एच इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब डोनेट किया है तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस, प्लस को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे पूरे कंपाउंड के ऊपर, और ये जो सीएल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ यहाँ पे सीएल माइनस। तो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे क्या आया, प्लस आया, तो ऑक्सीजन पे जब प्लस आता है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लोन पे डोनेट किया है तो ये प्लस किसके ऊपर आया, इसके ऊपर ही तो आया, तो ऑक्सीजन पे प्लस आता है तो नाम क्या होता है, ऑक्सोनियम। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, मिथाइल से, इसका नाम हो जाएगा मेथिल ऑक्सोनियम, और सीएल माइनस को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल के अंदर आपका एल्कोहल एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, आपके पास वो ही क्या है यहां पे, एसिड के रूप में मैंने यहां पे H2SO4 लिया,
H2SO4, ये वाला H2SO4, H2SO4 है, कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहां से, Ag+ HSO4 पे क्या आएगा माइनस, ऑक्सीजन पे क्या है यहां पे लोन पे, यहां से डोनेट करेगा, ये व्यवहार किसकी तरह कर रहा है, लुईस का, इसकी तरह व्यवहार कर रहा है ये लुईस का, तो इसके ऊपर ये ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या देगा प्लस, देखिए यहां से CH3CH2 इस OH यहां से ये जुड़ जाएगा आपका H, यहां पे मैंने जोड़ दिया कदु प्लस है, इसको कंपाउंड को मैं पूरे पे दिखा सकता हूं ये प्लस, और यहां से आउट कौन हो गया, यहां से HSO4 माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल, भाई एल्किल के रूप में कौन है एथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्सोनियम, ये क्या कहलाएगा भाई SO4 माइनस, SO4 पर माइनस 2 चार्ज होता है, तो ये होता है सल्फेट, अब माइनस 2 इसका मतलब माइनस 1 हुआ है, एक कम हुआ है, तो यहां पे हाइड्रोजन जुड़ी है, इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये है आपके ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो क्या बताया इसमें कि एल्कोहलों में जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस छार की तरह व्यवहार करते हैं, जो तनु अम्लों की उपस्थिति में, तनु अम्लों के रूप में HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, तनु अम्लों की उपस्थिति में अभिकर्त होकर किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण करते हैं, तो यहां से देखो मैथिल एल्कोहल से क्या बना है यहां पे मैथिल ऑक्सोनियम क्लोरेट, और एथिल एल्कोहल जब H2SO4 के साथ अभिकर्त किया है किसका निर्माण किया यहां पे एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, आज के लिए बस इतना ही काफी है।